ये म्युनिसिपल का लिमिट्स नहीं है, ये होना नहीं चाह रहा है, तो मेयर आपके हैं, ये हाउस में फैसला होने दीजिए। ये निर्णय कोई सेंटर गवर्नमेंट का नहीं है, कोई मोदी सरकार का फैसला नहीं है, कोई गृह मंत्री एलजी प्रशासन का फैसला नहीं है, हाउस में फैसला होने दीजिए। जम्मू ये बीजेपी का फैसला नहीं है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन मेरी बस इतना कहना है कि आपको जाना चाहिए एलजी साहब के पास बात करने के लिए। एलजी साहब यहाँ है नहीं है, जैसे ही आते हैं मुलाकात कर सकते हैं जी। हम आते हैं अल्ताफ बुखारी ने आप देख सकते हैं इस समय देखिए जम्मू कश्मीर के लोग इस लिमिट्स में टैक्स लगने जा रहा है, देखिए वो भी टाइम से नहीं मिल रही। मुझे लगता है एक बार पब्लिक डोमेन में संवाद के साथ चर्चा करके कोई निर्णय लागू अगर होता है तो जम्मू कश्मीर के लोग उस परिस्थिति या उन विषय को समझ सकते हैं। लेकिन एक बार समझाना, मार क्यों पड़ती है? अभी तक कितने मीटर लग गए हैं श्रीनगर में, कितना हो गया? ये निर्णय हर बार दुख की मार जम्मू को झेलनी पड़ती है। ये निर्णय देखिए, ये निर्णय कश्मीर के मेयर वोटर की बात करें को वो अपोज करते हैं, लेकिन जम्मू के मेयर यहाँ पर हाउस में लाने जा रहे हैं तो हाउस में क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, ये केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में फैसला लिया गया, स्टेटमेंट तो आना पूरे जम्मू कश्मीर। लगता है आपको लगता है जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट जितनी मेट्रो सिटीज में हुई है, जितनी मेट्रो सिटीज में हुई है, अगर हम चंडीगढ़ देखें, हम दिल्ली देखें, बेंगलोर देखें, क्या उस लेवल की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है जो टैक्स वसूलने की तैयारी? देखिए यहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, पिछले 8 सालों में जब से मोदी सरकार आई है पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, ये बात तो आप लोग भी मानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, स्मार्ट सिटी बनने की ओर जम्मू भी है और श्रीनगर भी है। सुनिए सुनिए ना सुनिए, जम्मू भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और श्रीनगर भी अग्रसर है। डेवलपमेंट की आपने बात की है, जम्मू कश्मीर के गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जिन जिन एरियाज में 70 साल बिजली नहीं पहुंची वहां मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाई है। जहां 70 सालों में पानी नहीं पहुंचा, मोदी साहब ने जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर में नल और नल से पीने का साफ जल इस मिशन के साथ काम किया है। टैक्स भी जो है मोदी सरकार ही पहुंचा रही है। देखिए दसियों किलोमीटर दूर जाके हमारी बहनें पहाड़ से कोई अच्छा काम सूखे से जब कोई पानी लेके आती हैं, रहने जी प्रॉपर्टी और वो आप उसको भी तो समझो, वो आप लोगों को नजर नहीं आते, उसको भी तो देखो, उसकी ओर भी तो ध्यान दो। आज गांव गांव में सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, फ्लाईओवर्स वो बीजेपी ने बनाया, टनल्स और कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार बना रही है। मोदी सरकार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स मोदी सरकार ने नहीं लगाया है, आप बताइए, ये बात आपको समझनी चाहिए। इस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। जम्मू बंद की चेतावनी दी है भारत सरकार ने, देखिए मेरी बात सुनिए, जम्मू बंद की चेतावनी दी है, प्रॉपर्टी टैक्स कोई मोदी सरकार ने नहीं लगाया है, लगना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लगाया है, प्रशासन से बात करेंगे, लगना चाहिए। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके से मेरे ऊपर हमलावर हो गए, जैसे मैंने साइन करके प्रॉपर्टी टैक्स को साइन करके लगाया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया भैया, सपोर्ट करती है, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। अपोजिशन का कहना है आने वाले टाइम में